हेलो गाइस, आई एम सोमोजीत। स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे चैनल में। तो भाई देखो, मेरे पास रियलमी X2 डिवाइस है, ये आप लोगों को पता है। और रियलमी X2 डिवाइस में जो लास्ट में एक अपडेट आया था उसका नाम है 11.8.04। ये अपडेट में क्या कुछ आया था उसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इस वीडियो के जो एंड होगा उसमें आपको को वीडियो मिल जाएगी। अगर आपके पास वो अपडेट नहीं आया है तो खैर, आप उस अपडेट के लिए वेट कीजिए। उस अपडेट में आपको ऐसा बोला जाएगा, ऐसा नहीं कि बोला जाएगा कि आपको कुछ बग्स फिक्स हुआ है, पर अगर सीरियसली मेरी बात कहे, कुछ भी बग्स फिक्स नहीं हुआ है। और मैं आप लोगों से इस वीडियो में एक बात कहना चाहता हूँ कि रियलमी X2 में वो वाला अपडेट आने के बाद से भाई ये फ़ोन पूरी तरह से बिखर गया है। मतलब उससे पहले Realme UI आने के बाद Realme X2 काम अच्छा कर रहा था, काफ़ी अच्छा चीज़ें चल रही थी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फ़ोन लैग कर रहा है या आप पबजी वगैरह हम लोग कुछ खेल नहीं पा रहे, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, पर ऐसा ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आया है जो सीरियसली बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है। और मैं मुझे भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, शायद आप लोगों को भी शायद ये प्रॉब्लम होगा। तो आज बात करेंगे आठ ऐसे बग्स के बारे में जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा यानी बेकार हो चुका है मोबाइल पूरा। तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ Realme 2 में, X2 से रिकॉर्ड नहीं कर सकता। क्यों, उसका भी रीज़न मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा और सही से वीडियो चलने के अंदर आपको पता ही चल जाएगा। सो लेट्स गो। अब मैं बात करता हूँ एक के बाद एक करके क्या क्या प्रॉब्लम आई है। अब अगर प्रॉब्लम की बात करें तो नंबर वन थिंग इज़ ब्लूटूथ ऑटोमेटिक डिसकनेक्टेड। आप लोगों को पता है कि Realme UI में एक Realme शेयर ऑप्शन है, तो Realme शेयर ऑप्शन Realme 2 में भी है, बाकी सारे Realme डिवाइस में भी है, पर एक Realme शेयर ऑप्शन आता है जहाँ पे हम लोग ब्लूटूथ के जरिए जल्दी Realme डिवाइस टू Realme डिवाइस शेयर करते हैं। ये मेरे पास Realme 2 है, ये मेरे पास Realme X2 है, तो मैं क्या करता हूँ उस शेयर ऑप्शन को अवेलेबल करके जल्द से जल्द कुछ ना कुछ चीज़ें शेयर कर देता हूँ। मान लीजिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं Zendr की यूज़ ना करके उससे यूज़ करूँगा ताकि वीडियो जल्दी चल जाए। पर प्रॉब्लम क्या आती है, वीडियो हाफ जाने के टाइम ब्लूटूथ ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो गया। अब भाई बताओ, अब मैं यहाँ पे उसको दोबारा सेंड करूँ या Zendr से सेंड करूँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। ब्लूटूथ मैं ऐसे ही देख रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट होकर फिर से रिस्टार्ट होकर आ रहा है, तो यहाँ पे जो अब कनेक्शन थी वो कट रहा है, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी आप बताओ आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं Realme X2 डिवाइस में, काफ़ी प्रॉब्लम है अपडेट के बाद 11.8.11.C.04 अपडेट के बाद ये हो रहा है। नंबर टू जो इशू है, ये बहुत प्रॉब्लम इशू है। मेरे पास कोई ब्लूटूथ ईयरफोन्स नहीं है, मेरे दोस्त के पास ब्लूटूथ ईयरफोन्स है, उससे मैंने Realme X2 में कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद देखा कि ऑडियो बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। आप लोगों को पता है कि ब्लूटूथ हेडफोन से अगर आप पबजी वगैरह खेलोगे तो MS जो पिंग होता है उसका थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, तो ऐसे गोली मारने के मिली सेकेंड बाद गोली की आवाज़ आती है, तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आता है। पर सीरियसली मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि मैंने ऐसा देखा है कि जो डबल बैरल जो शॉटगन्स होते हैं उस शॉटगन से मैंने मारा, उसके बाद मरने के बाद मुझे आवाज़ आ रही है शॉटगन की। मतलब ये जो लेटेंसी ये बहुत ज़्यादा है ब्लूटूथ ईयरफोन्स में। अगर ब्लूटूथ ईयरफोन से आप पबजी वगैरह खेलते हो या आप सॉन्ग को भी प्ले करके देखो कि बहुत लेट आ रहा है, कुछ कुछ चीज़ें स्लो चल रहा है, या प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है इस वाले अपडेट के बाद। अब बताओ कि आपके पास अगर ब्लूटूथ ईयरफोन से क्या इसमें ये प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि उसके ब्लूटूथ में प्रॉब्लम से पर उसके फ़ोन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आ रहा है। अभी आप बताओ क्या ब्लूटूथ ईयरफोन्स में आपके पास ये प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर बात करते हैं थर्ड प्रॉब्लम की, और थर्ड प्रॉब्लम के अंदर जो न्यू प्रॉब्लम आई है वो है चार्जिंग स्पीड स्लो। अब देखो भाई, 30 वाट का फास्ट चार्जर से मैक्सिमम एक घंटा के भी कम टाइम, मतलब 45 टू 50 मिनट के अंदर पूरा 100% मेरा कंप्लीट हो जाया था। और मैं ऐसा एक रूल फॉलो करता हूँ कि देखो, पूरी की पूरी 10% तक मैं ड्रेन करूँगा, उसके बाद चार्ज दूंगा, और पूरा 95% तक चार्ज दूंगा, उसके बाद मैं चार्ज नहीं दूंगा। तो ये जो प्रोसेस मैं फॉलो करता हूँ, तो ऐसे में 10% चार्ज होने के बाद से मुझे लगभग 1 घंटा 10 मिनट के आसपास लग रहा है फ़ोन को पूरी चार्ज होने में। उससे पहले Realme UI जब पहला आया था तब भी मुझे इतना टाइम नहीं लगता था। तो चार्जिंग स्पीड बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है इस अपडेट के बाद। नंबर फोर इशू की अगर मैं आप लोगों से साथ बात करूँ, इसका एक लौता रीज़न है। मैंने वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बोला था कि मैं Realme 2 के कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ, Realme X2 के कैमरा से नहीं, मतलब ये कैमरा मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं हो रहा है। क्यों, इसका एक ही रीज़न है, माइक काम नहीं कर रहा है।
अब आप पबजी में बोल दो या कुछ रिकॉर्ड करने के लिए माइक बोल दो, माइक काम ही नहीं कर रहा है। मेरे पास ओपन कैमरा है, ओपन कैमरा से मैं एक्सटर्नल माइक जो यहाँ पे लगा हुआ है एक्सटर्नल माइक को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर फिर भी ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। ऐसा दिखा रहा है माइक कनेक्ट ही नहीं है। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आ रहा है जहाँ पे आप देख पाएंगे कि माइक में मैंने एडवांस करके रखे हैं, फिर भी कोई भी एक्सटर्नल माइक कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। एंड अगर आप पबजी में किसी से साथ बात करने की कोशिश करोगे माइक में, वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय है, मतलब माइक काम ही नहीं कर रहा है। इस अपडेट को जरूर आप लोग सब मिलके ट्विटर में जाओ, ट्विटर में जाके रियलमी कंपनी से पूछो कि कब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। और अभी हम लोग बात करते हैं नंबर 5 वाले प्रॉब्लम की, वो है साउंड प्रॉब्लम व्हाइल प्लेइंग पबजी और अदर गेम्स। अब अगर आप लोगों ने आप लोगों के पास रियलमी X2 डिवाइस है और आप लोगों को डिवाइस यूज़ करते हो, तो यार आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर से ज़रूर अच्छे से याद आई है कि भाई जो साउंड है मोबाइल का थोड़ा बहुत लो है। मतलब मैं फुल वॉल्यूम करने के बाद मुझे जैसा साउंड मिलता था कलर 6 में, वैसा साउंड यहाँ पे नहीं है, कम है। साउंड क्वालिटी अच्छा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डॉल्बी एटमॉस बेकार हो चुका है, नहीं, वो सब सही है, पर साउंड का जो वॉल्यूम है वो कम है, मतलब कम साउंड आ रही है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है, अब आप बताओ आपके साथ हो रही कि नहीं, नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ भाई, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रहा है, नंबर सिक्स इज़ ओवर हीटिंग। ओवर हीटिंग एक ऐसा इशू है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो रहा है। मैंने कल 2 घंटा या 3 घंटे के आसपास कुछ देखा था, लगभग कल नहीं उसके पहले दिन देखा था। बेसिकली मैं वो मैच देख रहा था, PMPL का मैच चल रहा है पबजी का, वो देख रहा था, 3 घंटे कंटिन्यू देख रहा था। अरे 3 घंटे के अंदर लगभग आधा घंटा हुआ है उसके बाद मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, ये वाला फ़ोन बहुत ज़्यादा X2 बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। अब देखो मैं पबजी भी नहीं खेला हूँ, कुछ भी नहीं करा हूँ, चार्जिंग भी फुल है, फिर भी बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है। उसके बाद इसलिए मैं क्या किया कि मैंने फ़ोन को ऑफ़ कर दिया, उसके बाद मैं ऐसे वेट कर रहा था कि कब इसका हीट टेम्परेचर कम जाए, लगभग 43-44 हो गया था यूट्यूब देखते देखते। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है रियलमी X2 में जब हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं रियलमी UI में, पर रियलमी UI का जो पहला अपडेट था उसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिला था। ये अभी सीरियस इशू है, अब देखते हैं आगे जाके क्या होता है। नंबर सेवन एक ऐसा इशू है जहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन है वो ऐसे ही क्रश हो रहा है। मेरे पास एक पिक्सेल लैब नाम का एक एप्लीकेशन है जहाँ पे मैं वीडियो का थंबनेल वगैरह एडिट करता हूँ, और आप सोचेंगे नहीं थंबनेल वगैरह मुझे एडिट करने में 5-6 मिनट लग जाते हैं, मुझे थंबनेल एडिट करने में मैक्सिमम 2 मिनट लगते हैं। अब थंबनेल एडिट कर ही रहा हूँ, टेक्स्ट डाल ही रहा हूँ, ऐसे में पूरी की पूरी जो एप्लीकेशन है वो क्रॉस करके आ गया, फिर से मुझे उसको ओपन करना पड़ा, फिर से वहाँ पे टेक्स्ट वगैरह डालने पड़े। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है रियलमी X2 में। अब अगर आपके रियलमी X2 में भी 11.0.04 अपडेट आने के बाद से ये प्रॉब्लम आ रहा है तो नीचे ज़रूर से कमेंट करके बताओ। अब बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है वो है भाई पबजी में फ्रेम ड्रॉप का इशू। पबजी सही चल रहा है, ऐसे टाइम में क्या हो रहा है मैं बहुत बार देखा हूँ कि खेलते खेलते पूरा फ्रेम स्किप हो रहा है, मतलब ऐसे गोली मार रहा हूँ, कुछ गोली लग रहा है कुछ गोली नहीं लग रहा है, ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है। और मेरे पास ओनली पबजी भी नहीं है, मेरे पास बहुत सारे गेम्स है, लाइक मेरे पास गैंगस्टर है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये भाई गैंगस्टर है, आप शायद देख नहीं पा रहे हो, गैंगस्टर है, पबजी लाइट है, सबवे सर्फर्स है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, अगर आप देख पा रहे हो तो कॉल ऑफ ड्यूटी, तो ऐसे बहुत सारे गेम्स है, बहुत सारे गेम्स में ये प्रॉब्लम आ रहा है, सीरियस इशू है, बहुत सारे गेम्स में प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये 8 जो बग्स मैंने आपको बताए, ये 8 बग्स आप देखो कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इशू है। मुझे इन बाकी जो बग्स हैं इन बग्स से कोई भी मतलब नहीं है, मैं ज़्यादा इस फ़ोन को यूज़ नहीं करता, ज़्यादा यूज़ करता हूँ रियलमी 2 को, पर भाई ये जो माइक का इशू है, मैंने इस फ़ोन को बेसिकली लिया था वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करूँगा, अच्छे से वीडियो आप लोगों को दिखा पाऊँगा, पर क्या हुआ इसका माइक एकदम से काम करना ही बंद कर दिया, तो मैं इस फ़ोन को अब ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर सकते। अब मैं चाहता हूँ कि रियलमी कुछ और एक अपडेट दे दे ताकि माइक मैक्सिमम माइक कनेक्ट हो जाए पबजी में, माइक से हम लोग किसी से बात कर सके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप बताओ आपको कौन से प्रॉब्लम्स और आ रहे हैं इस ऑटो प्रॉब्लम के अलावा, अगर कुछ नया प्रॉब्लम्स है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, मैं भी उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूँगा। और बैटरी ट्रेनिंग वगैरह तो है ही, फ़ोन हीटिंग तो है ही, मैंने बता दिया, बैटरी ट्रेनिंग को मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि उसका एक सॉल्यूशन मुझे मिला है। अगर सॉल्यूशन जानना चाहते हो, अगर आप इतना तक वीडियो को देखे हो तो लाइक ज़रूर मारना, सॉल्यूशन जानना चाहते हो तो नीचे लिखो, एक बहुत ही
बढ़िया फीचर्स है रियलमी UI के अंदर, हाँ है बहुत ही बढ़िया फीचर्स है, उससे आप लोग बैटरी ड्रेनिंग को बहुत हद तक अपने हाथों से कंट्रोल कर सकते हो। बहुत अच्छा फीचर्स है, मुझे मिला है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, नीचे कमेंट करो। सो गुड बाय।